हेलो दोस्त, माय यूट्यूब चैनल नितिन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज कक्षा 12 के आव्ययों का 3.2 पढ़ेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हम बताएंगे। हमने पहले वीडियो में सूत्र बताया था। यदि आपको वीडियो ना मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों, पहली सवाल दिया है, मान लीजिए ए बराबर। दोस्तों हम सवाल लिखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम सवाल पूरा नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं। तो दोस्तों ए बराबर इतना है, बी बराबर 3, 5 इतना है, सी बराबर -2, 3, 5, 4। दोस्तों ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना दिया है और पूछ रहा है कि ए प्लस बी। दोस्तों ए प्लस बी हमसे पूछ रहा है, तो देखिए हम आपको कैसे एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ए प्लस बी बराबर पूछ रहा है। दोस्तों पहले हम ए लिखेंगे 2, 3, 4, 2। उसके बाद दोस्तों बी लिखेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। अब बी लगा के हम दोस्तों बी वाला उतार देंगे, 1, -2, 3, 5। दोस्तों पहली पंक्ति को पहले पंक्ति में जोड़ते हैं और दूसरी पंक्ति को दूसरे पंक्ति में जोड़ते हैं। पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरी पंक्ति का पहला अवयव से जुड़ेगा। दोस्तों जैसे अभी हम ए प्लस बी बराबर लिखे हैं तो 2, ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति का पहला अवयव 2 है ना। तो और इस अवयव में ये पहली पंक्ति है और इस पहली पंक्ति के पहला अवयव 1 है। तो दोस्तों 2, 1, 3। तो दोस्तों ए प्लस बी बराबर 2, 1, 3, दोस्तों 3 हो जाएगा। अब ये देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 4 है और दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 3 है। तो 4, 3, 7। दोस्तों इसे पहले पंक्ति में लिखना है पर दूसरा अवयव 7। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे 3 है, ये दूसरी पंक्ति पहला अवयव, ये भी दूसरी पंक्ति का ये पहला अवयव, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +3 है। तो 3 में से 2 घट जाएगा तो दोस्तों 1 बचेगा। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 2 है, इसमें दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 5 है, तो 5, 2, 7। दोस्तों यहाँ पे भी 7 आ जाए। तो दोस्तों हमने ए प्लस बी याद कर लिया है। अब हमसे पूछ रहा है ए माइनस बी पूछ रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ए प्लस बी बराबर, अब यहाँ पे दोस्तों दूसरे पॉइंट में पूछ रहा है हमसे ए माइनस बी। तो दोस्तों हमने पहले भी यहाँ पे जैसे बताया था कि पहली पंक्ति का पहला अवयव पहली पंक्ति का पहला अवयव से जुड़ेगा, उसी तरह घटेगा भी। दोस्तों देखिए हम पहले ए बराबर लिख लेते हैं 2, 3, 4, 2, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1, -2, 3, 5। तो दोस्तों देखिए, ये पहली पंक्ति का पहला अवयव 2 है और इस अवयव में पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 है। तो दोस्तों 2 में से जब 1 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 1। तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब ठीक उसी तरह ये 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव और इस अवयव में पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 3 है। तो 4 में से 3 घटेगा दोस्तों, यहाँ पे भी 1 बचेगा। तो यहाँ पे दोस्तों 3 है, यहाँ पे ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये जुड़ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस इसके आगे जुड़ जाएगा। तो दोस्तों 5 में से जब 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, पर यहाँ पे माइनस वाला चिन्ह बड़ा था इसलिए यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे -3 ही आएगा। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट में हमसे पूछ रहा है 3a-c। तो दोस्तों पहले हम 3a निकाल लेंगे, 3, उसके बाद a लिखेंगे, 2, 3, 4, 2। तो दोस्तों पहले 3a निकालेंगे। तो ये जो है ये इस अवयव के
हर एक अवयव से गुणा कर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 3a बराबर लिखते हैं, 3 × 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। तो दोस्तों ये 3a बराबर आ गया, 3a बराबर इतना आ गया। तो पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे 3a माइनस सी, तो दोस्तों माइनस सी अभी हमने पहले यहाँ पे देखा था, देख लीजिए आप भी, यहाँ पे सी बराबर माइनस दो है। तो पहले हम यहाँ पे 3a लिख लेंगे, 3a जो दिया है 6, 9, 12, 6। उसके बाद दोस्तों 3a माइनस दिया था यहाँ पे माइनस, अब हम सी वाला पंक्ति लिख देंगे पूरा। आप भी यहाँ पे दोस्तों देखते रहिए, तो देखिए दोस्तों अब हम घटाएंगे, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 6 है और दूसरी पंक्ति का तो दोस्तों देखिए ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति का पहला अवयव 6 है, यहाँ पे पहली पंक्ति का पहला अवयव माइनस दो है और ये माइनस दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 6 और 2 जुड़ जाएगा, जब 6 और 2 जुड़ेगा तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। अब ये 12 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस लग जाएगी, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, तो 12 में से 5 जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों 7 बचेगा। यहाँ पे 9 है, 9 में से दोस्तों ये 3 जब इधर लग जाए तो 9 में से 3 घटेगा, तो दोस्तों 6 आएगा। अब 6 में से दोस्तों 4 घटाना है, तो 6 में से जब 4 घटेगा तो 2 आएगा, इसलिए दोस्तों तीसरा पॉइंट था। अभी ये हमसे चौथा पॉइंट क्या पूछ रहा है दोस्तों, देखिए चौथा पॉइंट पूछ रहा है ए इंटू बी, ए इंटू बी। दोस्तों हम पहले ए लिख लेंगे उसके बाद बी लिखेंगे। तो दोस्तों ए बराबर 2, 3, 4, 2 और बी बराबर दोस्तों यहाँ पे गुणे का सिंबल लग जाएगा 1 − 2, 3, 5। ये देखिए दोस्तों ये हम आपको एकदम ही शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बस आप नज़र गड़ाए रहिए। बस देखिए ए इंटू बी बराबर, तो दोस्तों ये पहली पंक्ति, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में दोस्तों देखिए कैसे होता है, हम आपको दिखा रहे हैं। पहली पंक्ति का जब पहले स्तंभ में करेंगे तो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ और पहले स्तंभ का पहला अवयव दोस्तों 2, 1, 2, यहाँ पे 2, 2 × 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये दूसरा अवयव है तो पहले स्तंभ के दूसरे अवयव से ये गुणा कर जाएगा, तो दोस्तों 4 और -2 से जब गुणा होगा तो यहाँ पे -8 आ जाएगा। तो दोस्तों अभी अब दूसरा देखते हैं इसी तरह, अब इसका गुणा हम पहली पंक्ति का पहला स्तंभ फिर पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो दोस्तों अब पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ देखते हैं, 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 6 आएगा, अब 4 का गुणा 5 बार करेंगे तो 20 आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो दोस्तों 20 आ जाएगा। अब ये देखिए दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति का फिर पहले स्तंभ से करेंगे तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव पहले स्तंभ के पहले अवयव से गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 3 आएगा। अब ये दोस्तों देखिए 2 है, ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव दूसरा अवयव है, तो ये भी दूसरी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, तो 2 से जब 2 गुणा करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पहले से माइनस था इसलिए प्लस लगना था, यहाँ पे माइनस है इसलिए हम माइनस लगाएंगे, 2 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 4 आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए फिर से ये दूसरी पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव दूसरे स्तंभ का पहला अवयव, तो यहाँ पे दोस्तों इससे गुणा कर जाएगा 3 × 3 = 9। उसके बाद दोस्तों बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे, अब ये 2 बचा है दोस्तों, ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है और ये दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव है, तो 2 × 5 = 10। तो दोस्तों अब हम इसे लिख देते हैं जो भी है दोस्तों, देखिए जब 2 है 2 में से -8 घटेगा तो दोस्तों -6 बचेगा, जैसा कि हमने कक्षा 10 में पढ़ा था उसी तरह से है दोस्तों। अब यहाँ पे 6 + 6 + 20 है दोस्तों, तो 20 और 6 जुड़ के 26 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 2, 3 है, 3 − 4 है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने -1 कर दिए। यहाँ पे दोस्तों 9 है, 9 + 10, यहाँ पे दोस्तों 19 हो जाएगा।
ये रहा दोस्तों हमारा गुणा। इसी तरह हमें पांचवा पॉइंट दिया है बी इंटू ए, जो आप लोगों को लगाना है। यदि नहीं आ रहा है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको ये वीडियो बनाकर ज़रूर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी पढ़ने में कठिनाई ना हो। जो भी समस्या हो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करें, हम आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर हैं।